दोस्तों एक दिन की बात है कि एक व्यक्ति एक संत के पास पहुंचा और संत से कहने लगा कि लोग कहते हैं कि सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है, बिना भगवान की मर्जी से पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन मेरे मन में अनेक तरह के संशय चल रहे हैं, मैं कैसे मान लूं कि सब कुछ भगवान की मर्जी से ही होता है। संत ने कहा कि मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि इस संसार में जो भी कुछ होता है वह सब भगवान की योजना के अनुसार ही होता है, यदि उनकी मर्जी नहीं होती तो पत्ता भी नहीं हिलता है। कहानी को बड़े ध्यान से सुनना, तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर इसी कहानी में मिल जाएगा। दोस्तों इसके बाद वे संत उस कहानी को सुनाने लगे। वे संत कहने लगे कि एक आदमी मंदिर में सेवक था, उसका काम मंदिर की साफ सफाई करना था। भक्तों और श्रद्धालुओं के द्वारा दिए गए दान में से थोड़ा बहुत उसे मंदिर के पुजारी द्वारा दे दिया जाता था, इसी से वह अपना गुजर बसर किया करता था। वह अपनी जिंदगी से बहुत परेशान और दुखी भी रहता था। मंदिर में काम करते करते वह दिन भर अपनी जिंदगी को लेकर शिकायतें करता रहता। एक दिन शिकायत करते हुए वह भगवान से कहने लगा कि भगवान जी, आपकी जिंदगी कितनी आसान है, आपको बस एक जगह आराम से खड़े रहना होता है। मेरी जिंदगी को देखो, कितनी कठिन जिंदगी जी रहा हूँ मैं। दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ, तब कहीं जा करके मुझे 2 जून की रोटी नसीब हो पाती है। काश मेरी जिंदगी में आपकी तरह भी होती। उसकी यह बात सुन करके भगवान ने कहा कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। मेरी जगह रहना बिल्कुल आसान नहीं है, मुझे बहुत सारी चीजें भी देखनी पड़ती हैं, बहुत सी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। भगवान जी कैसी बात कर रहे हैं आप, आपका काम बड़ा आसान है, आपकी तरह तो मैं भी दिन भर खड़े रह सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मंदिर का सेवक बोला। तुम नहीं जान पाओगे, भगवान ने कहा, इस काम में बहुत धैर्य की आवश्यकता पड़ती है, मैं जरूर कर पाऊंगा, आप मुझे एक दिन अपनी जिंदगी जीने दीजिए, आप जैसा बताएंगे मैं वैसा ही करूंगा। मंदिर का सेवक जिद करने लगा, उसकी जिद के आगे भगवान मान गए और बोले ठीक है, आज पूरा दिन तुम मेरी जिंदगी जियो और मैं तुम्हारी जिंदगी जीता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तें माननी होंगी। वह व्यक्ति कहने लगा कि मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, तो ध्यान से सुनो, मंदिर में दिन भर बहुत से लोग आएंगे और तुमसे बहुत कुछ कहेंगे, कुछ तुम्हें अच्छा बताएंगे और कुछ तुम्हें बुरा भी कहेंगे। तुम्हें हर किसी की बात चुपचाप एक जगह मूर्ति की तरह खड़े रहकर बड़े धैर्य के साथ सुनना है और उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। सेवक मान गया भगवान और उसने अपनी जिंदगी एक दिन के लिए आपस में बदल ली। सेवक भगवान की जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो गया। भगवान मंदिर की साफ सफाई का काम निपटा कर वहां से चले गए। कुछ समय बीतने के बाद मंदिर में एक धनी व्यापारी आया। भगवान से प्रार्थना करते हुए वह बोला, भगवान जी मैं एक नई फैक्ट्री डाल रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि यह फैक्ट्री अच्छी तरह से चले और मैं इससे अच्छा मुनाफा कमाऊं। प्रार्थना करने के बाद वह व्यक्ति प्रणाम करने के लिए नीचे झुका तो उसका बटुआ गिर गया। जब वह वहां से जाने लगा तो भगवान की जगह खड़े मंदिर के सेवक का मन हुआ कि उसे बता दे कि उसका बटुआ गिर गया है, लेकिन शर्त के अनुसार उसे चुप रहना था, इसलिए वह कुछ भी नहीं बोला और खामोश खड़ा रहा। इसके तुरंत बाद एक गरीब आदमी वहां आया और वो भगवान से बोला, भगवान जी बहुत गरीबी में जीवन कट रहा है, परिवार का पेट पालना है, माँ की दवाई की व्यवस्था करनी है, समझ में नहीं आ रहा है कि इतना सब मैं कैसे करूं, आज देखो मेरे पास बस 1 रुपया है, इससे मैं क्या कर पाऊंगा, आप ही कुछ चमत्कार करो, मेरे लिए कोई धन की व्यवस्था करो। प्रार्थना करने के बाद जैसे ही वह जाने को हुआ, उसे नीचे गिरा हुआ व्यापारी का वह बटुआ दिखाई दिया। उसने बटुआ को उठा लिया और भगवान को धन्यवाद देते हुए वह व्यक्ति वहां से चला गया। कहा कि भगवान जी आप धन्य हैं, आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली, इन पैसों से मेरा परिवार कुछ दिन भोजन कर सकता है, माँ की दवाई की व्यवस्था भी इन्हीं पैसों से हो जाएगी। भगवान को धन्यवाद देकर वह व्यक्ति वहां से जाने लगा। तब भगवान बने मंदिर के सेवक का मन हुआ कि उसे बता दे कि वह बटुआ तो व्यापारी का है, उसे मैंने नहीं दिया है, जो कह रहा है वह चोरी है, इसलिए वह चुप रहने के लिए विवश था, इसलिए मन मार करके चुपचाप खड़ा रहा। मंदिर में आने वाला तीसरा व्यक्ति एक नाविक था, वह 15 दिन के लिए समुद्री यात्रा पर जा रहा था। भगवान से उसने प्रार्थना की कि उसकी यात्रा सुरक्षित रहे और वह सकुशल वापस आ जाए। वह प्रार्थना कर ही रहा था कि एक धनी व्यापारी वहां आ गया, वह अपने साथ पुलिस भी लेकर के आया था। नाविक को देखकर वह पुलिस से बोला कि मेरे बाद ये मंदिर में आया है, जरूर इसने ही मेरा बटुआ चुराया होगा, आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए।
पुलिस नाविक को पकड़ करके ले जाने लगी। भगवान बने आदमी को अपने सामने होता हुआ ये अन्याय सहन नहीं हुआ। शर्त के अनुसार उसे चुप रहना था, लेकिन उसे लगा कि बहुत गलत हो चुका है। यदि अब मैं चुप रहा तो इस बेकसूर व्यक्ति को व्यर्थ में ही सजा भुगतनी पड़ेगी। उसने अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए कहा कि आप गलत व्यक्ति को पकड़ कर ले जा रहे हैं। ये बटुआ इस नाविक का नहीं है, बल्कि इससे पहले आए गरीब व्यक्ति ने चुराया है। मैं भगवान हूँ और मैंने सब कुछ देखा है। पुलिस भगवान की बात कैसे नहीं मानती। उनकी बात मानकर उन्होंने नाविक को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी को पकड़ लिया जिसने बटुआ लिया था। शाम को जब भगवान वापस आए तो मंदिर के सेवक ने पूरे दिन का वृत्तांत सुनाते हुए उन्हें गर्व के साथ बताया कि आज मैंने एक व्यक्ति के साथ अन्याय होने से रोका है। देखिए आपकी जिंदगी जीकर मैंने कितना अच्छा काम किया है। उसकी बात को सुनकर भगवान बोले, ये तुमने क्या किया? मैंने तुमसे कहा था कि चुपचाप मूर्ति बनकर खड़े रहना, लेकिन वैसा न कर तुमने मेरी पूरी योजना पर पानी फेर दिया। उस धनी व्यापारी ने बुरे कर्म करके इतना धन कमाया था, यदि उसमें से कुछ पैसे गरीब आदमी को मिल जाए तो उसका भला हो जाता और व्यापारी के पाप भी कुछ कम हो जाते। जिस नाविक को तुमने समुद्री यात्रा पर भेज दिया है, अब वह जीवित वापस नहीं आ पाएगा। समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, यदि वह कुछ दिन के लिए जेल में चला जाता तो कम से कम उसके प्राण बच जाते। सेवक को यह सुनकर एहसास हुआ कि वह तो बस वही देख पा रहा है जो उसकी आंखों के सामने हो रहा है। उन सबके पीछे की वास्तविकता को वह देख ही नहीं पा रहा था, जबकि भगवान जीवन के हर पहलू पर विचार अपनी योजनाएं बनाते हैं और लोगों के जीवन को चलाते हैं। दोस्तों, हम सब भी भगवान की योजनाओं को समझ नहीं पाते। जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है या हमारे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा होता है तो अपना धैर्य खोकर हम भगवान को दोष देने लगते हैं। हमें समझ ही नहीं पाते कि इन सब के पीछे भगवान की कोई न कोई योजना छुपी हुई है। ऐसे समय में हमें भगवान पर विश्वास रखकर धैर्य को धारण करने की जरूरत होती है। इसलिए चिंता न करें, यदि आपकी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा तो इसका अर्थ है कि वह भगवान की मर्जी से हो रहा है, और भले ही देर से ही सही, भगवान की मर्जी से सब कुछ अच्छा ही होता है। संत ने कहानी को जब समाप्त किया तब उस व्यक्ति से पूछा कि अब भी कोई तुम्हारे मन में प्रश्न है? क्या अब भी तुम्हारे मन में कोई संशय है कि इस दुनिया में जो भी कार्य होता है वह ईश्वर की मर्जी से होता है कि नहीं होता है? उस व्यक्ति ने संत को प्रणाम किया। उनके चरणों में दंडवत करते हुए वह व्यक्ति कहने लगा कि गुरुजी, अब तक तो मेरे मन में अनेक तरह के संशय चल रहे थे, लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद मुझे पता चला कि जो भी कार्य इस दुनिया में होता है वह सब भगवान की मर्जी से ही होता है। ईश्वर हर व्यक्ति के लिए अपना अलग अलग प्लान बनाता है और उसी के प्लान के अनुरूप व्यक्ति के जीवन में घटनाएं घटित होती हैं। इसलिए जब भी अपनी मर्जी से कुछ भी कोई कार्य न हो तो व्यक्ति को यही सोच करके धैर्य धारण करना चाहिए कि यह हो सकता है कोई ईश्वर की मर्जी हो। जब अपनी इच्छा के अनुकूल कार्य न हो तो उसे ईश्वर की मर्जी ही समझना चाहिए। दोस्तों, इसलिए व्यर्थ की चिंता नहीं करना चाहिए, भगवान की मर्जी समझ करके धैर्य को धारण करना चाहिए और उसी को ईश्वर की इच्छा माननी चाहिए। दोस्तों, क्या भगवान की मर्जी है वह हमें नहीं पता होता, लेकिन ईश्वर को यह पता होता है कि तुम्हारे जीवन में उसे क्या करना है और कैसे करना है। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी थी। यदि आपको अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना और मुझे बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा है। और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।